मेरा नाम आचार्य हूँ, मैं रिलीफ कैंप नशी पारा में रहने वाला हूँ। अभी जो भी हम लोगों को जो मिजोरम में रिपार्टिशन करवाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मिजोरम में हम लोगों को मिजोरम में रिपार्टिशन जाने के लिए कुछ सेट बना के रखे, वो से हम लोग खुशी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा 22 साल हो चुके हैं नशी पारा रिफ्यूजी रिलीफ कैंप में रह करके, और हमारा दुख संकट क्लेश हमारा कास्ट को बताने के लिए यहाँ पर मीटिंग में आया है। लेकिन भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारा दुख संकट को, हमारा प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आपका डिमांड की रखी। हमारा डिमांड है सिर्फ ADC। हम लोग जब मिजोरम में ADC डिमांड किया था 1997 में, उसी से हम लोगों को मिजोरम के साथ, मिजो सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ लफड़ा हुआ और हम लोग भाग के आए यहाँ पर त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में 22 साल रहा तो पर भी भारत सरकार हम लोगों को तैयार करने, समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी मैंने बात, हम लोग बहुत ये जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में लास्ट में क्या मीटिंग में कुछ ऐसा मीटिंग हुआ था, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे कुछ हमारा समस्या को बताया, हम लोग पूरा 10 आदमी से ऊपर ज़्यादा हम लोग बताया, लेकिन हमारा समस्या को सुनने के लिए काम में तैयार नहीं है। उसके बाद हम लोग ये जान सकते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ मेजोरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, माइनॉरिटी हम जैसे कंकाल गरीबों के लिए नहीं, मेजोरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, जो ज़्यादा वोट मिलता है उसी को ध्यान देते हैं। आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यही डिमांड। ओके, वी लीडर्स दोस हू रिप्रेजेंट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक MBDPF, MBIDN, MBDPCCN, BTDS, and they express their view, their opinion, how to resolve the issue. And Mahesh Swariji, the Special Secretary, also heard about our problems and our opinion, everything. Then lastly, he assured that you make representation, write memorandum and submit it to me. I will hand over to the higher authority, Government of India, and accordingly, we will try to see. We will try to, study about your problem. And I requested him that we ourselves also will review our demands. We will think ourselves as a homework. And as well as I have requested him to take as a homework and reconsider our bottom line demand, which is very minimum. So today from representative of other NGO like MBIDM, MBDPCC and BTDS, they raised the Autonomous District Council. This will be the solution of the group people once and for all. Until and unless the Autonomous District Council is success, this demand will not be met. This demand will not be resolved, they say.